भटूरा के लिए हमने मैदा ले लिया है। मैदा में हम डाल देते हैं, देखिए थोड़ा सा स्वाद, थोड़ा सा नमक, बेकिंग पाउडर, चुटकी भर मंगरेल और शक्कर थोड़ा सा डालेंगे। शक्कर थोड़ा ही डालिएगा मीठा के लिए, ज़्यादा डाल देंगे तो हमारा भटूरा पीला पीला टाइप का दिखेगा, लाल ज़्यादा हो जाएगा। इनको हम डाल देते हैं इसमें। देखिए इसमें अब हम दही डाल देते हैं, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं तेल, ये देखिए मोयम के लिए, इससे अच्छे से खिला खिला सा बनेगा फूल के। ये देखिए हो गया, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे गुथिएगा, एक साथ नहीं। देखिए इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हम गूथ लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए हमारा आटा गूथ गया, मैदा का आटा। इसे हम आधा घंटा के लिए इसे ढक के रख देते हैं ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। ये देखिए हमें ज़्यादा गीला इसे नहीं रखना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं गेहूं का उसी तरह हमें रखना है। ये देखिए हो गया, इसे हम ढक के रख देते हैं आधा घंटा के लिए। देखिए हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया, भटूरा का आटा, ये देखिए इतना अच्छे से खिल गया है एकदम अच्छे से। चलिए इन्हें हम बनाते हैं। देखिए इस तरह से हम पेड़ा जैसा बना लेंगे। देखिए आपको जैसा आकार चाहिए उस हिसाब से इसे बनाइएगा। ये देखिए इस तरह से, देखिए आटा लगाते हुए हम इसे बेल लेंगे अच्छे से। देखिए आप इसे गोल करिए या फिर इस तरह से लंबा, देखिए हो गया। चलिए इन्हें हम फ्राई करते हैं तेल में। देखिए हम लोखंडी कढ़ाई में इसे फ्राई कर रहे हैं, आप किसी भी कढ़ाई में आप ले सकते हो। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हल्के से इसे दबाते हुए इसे हम कर लेंगे अच्छे से फ्राई। ये देखिए इस तरह से, देखिए कितने अच्छे से फूल भी गया है। पलट लेते हैं इसे, ये देखिए है ना एकदम भटूरा जैसा, जैसा आप होटल में बाहर खाते हैं बाजार में सेम वैसा ही आएगा आपको। देखिए हो गया, ये देखिए आपको पास से दिखा रहे कितना अच्छे से ये हो गया, फूल गया है। इसे हम नाली में, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है फूला फूला सा। इसी तरह हम और भी सब्जी बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, इस तरह हिलाते हुए अच्छे से हम इसे बना लेंगे इस तरह से। अगर आपका फूल नहीं रहा हो तो आप इस तरह से तेल डालिए इसके ऊपर गरम गरम, और हल्का सा प्रेशर दीजिए साइड साइड में, ये भी अच्छे से फूल जाएगा। ये देखिए हो गया, ये पलट लेते हैं। ये देखिए ये भी हमारा भटूरा हो गया, इसे निकाल लेते हैं हम। देखिए अच्छे से लाल हो गया है नीचे से भी ये। ये देखिए इसे निकाल लेते हैं सभी को। ये देखिए हमारे छोला और भटूरा दोनों हो गए हैं तैयार। हमने छोला भी बना के रख लिया और भटूरा भी, इसे फूल गए हैं। आप किसी वक्त इस तरह से बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए बहुत ही टेस्टी रहता है ये। ये देखिए कितना अच्छे से फूले हुए हैं, इसके साथ छोला भी बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। आप किसी वक्त इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। आप इसे लंच में, डिनर में किसी वक्त आप बना करके खा सकते हो। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।